हाँ तो फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स का इतिहास का देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतिहास का है ना। पहला प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा C14 पद्धति। नेक्स्ट है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा विंध्य। नेक्स्ट है चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कोल्डी हवा। नेक्स्ट है प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ से बने होते थे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पत्थर। नेक्स्ट है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा तीन। नेक्स्ट है भीमबेटका किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कितने साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 8000। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल में मानव की आयु कितनी थी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 20 से 25 वर्ष। नेक्स्ट है पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आग का आविष्कार। नेक्स्ट है जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है पाषाण काल का अंतिम चरण क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा नवपाषाण। नेक्स्ट है सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट है गेहूं की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है इतिहास में मानव जीवन के लिए क्रांति का काल किस युग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा नवपाषाण युग। नेक्स्ट है किस काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा नवपाषाण युग। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में मानव पशुओं को क्या पाला। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों खेती के लिए भोजन के लिए। नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बतावे जहां मानव ने पहले जौ गेहूं उपजाना सीखा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है निम्न में से किस परस्थल से हड्डियों व सिंह के बने औजार मिले हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चीरांध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा हस्तिनापुर। नेक्स्ट है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की नहीं है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण जीवन। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1921। नेक्स्ट है महास्नानगर किस नगर में प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है भारत देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या का नगरीकरण हो चुका है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा नगर लोथल स्थित था। इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक गुजरात में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद वंदे मातरम।